विशाल भारद्वाज की रहस्य भरी दुनिया में आपका स्वागत है। हाय, आई एम प्रतीक्षा मिश्रा एंड यू आर लिसनिंग टू माय रिव्यू ऑफ खुफिया। देयर इज अ पोएट्री टू खुफिया, मतलब इट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम विशाल भारद्वाज। जैसे कि शेक्सपियर के रेफरेंसेज हैं ऑब्वियसली, अब विशाल भारद्वाज की मूवी में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। ऑल्सो हु एल्स वुड इंट्रोड्यूस जस्ट दिस मोल बिटवीन समवन्स कॉलर बोन्स इन अ वेरी इंटीमेट सीक्वेंस एंड देन टेक यू इनटू एन एस्पियोनाज। ऑब्वियसली विशाल भारद्वाज एंड खुफिया इज दैट काइंड ऑफ स्टोरी, जहाँ एक एस्पियोनाज थ्रिलर के बीच में वी हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन कैरेक्टर्स रनिंग अराउंड। हमारा जो मेन ह्यूमन कैरेक्टर इज कृष्णा मेहरा और के एम, प्लेड बाई तबू, प्लेड वंडरफुली बाई तबू। शी इज एन इंटेलिजेंट ऑपरेटिव एंड एक मिशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, सो ऑब्वियसली द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और रॉ कम्स टू अ कंक्लूजन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक मोल है। अब इस मोल को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है केम की, क्यों? क्योंकि देयर इज अ पर्सनल टच टू दैट। ऑल्सो शी हैज टू एसेंशियली अवेंज हर लवर। हाउ विल इट बी अ इंडियन सिनेमा प्रोडक्ट अगर मतलब ऐसे मोहब्बत का बदला अगर ना लेना हो तो, विच ऑल्सो हैपन्स हियर एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थ्रेड थ्रू आउट दिस फिल्म। यहाँ से खुफिया गोज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, दैट्स अ लॉट ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड। हम बहुत लोगों की फैमिली टाइज देखने लग जाते हैं। मेन पर्सन दैट वी हैव इज, जो हमारा मेन सस्पेक्ट है, उस नेम इज रवि प्लेड बाय अली फजल। हिज वाइफ इज चारू प्लेड बाय वमिका गब्बी, जिसपे भी थोड़ा सा शक रौ वाले करते हैं एंड ही लिव्स देयर विथ also his son and his mother. ये जो surveillance वाले scenes हैं of like cameras and hidden cameras, audio equipment, कोई बैठ के बहुत सारे screens देख रहा है, और always interesting, that is the fun of an espionage thriller, और वो fun यहाँ पे भी है। But the actual heart of Khufiya lies with its people. Main जो character है KM का is absolutely stunning. Tabu plays it with a kind of a tortured artist vibe, जहाँ हमें पता है कि she is very pained by a lot of things that are going on. There are secrets of her own. There's her child who is a teenager and doesn't like her very much, as teenagers do. There's her ex-husband, complete green flag of a man. But these are all of these things that are happening with her, and there's this deep sadness that she carries with her. और Tabu ने ये जो सारे के सारे nuances हैं बहुत ही अच्छी तरह पोटे कि हैं। तबू इज genuinely the highlight of this film. Charu is essentially a homemaker, is not the obvious suspect of a lot of thrillers. I know Indian thrillers are kind of catching on to that, but as a homemaker also we see how she is more free spirited and more like just free in general when she's in her own personal space. हम चारू को दो lenses से देख रहे हैं। एक lens है उसका खुद का, when she's alone and dancing to old Bollywood songs, there's a sensuality to it, there's a freedom to it, all amazing. And then there's the lens of KM that we're viewing चारू through. ये जो एक lens था, there is a wonderful tension there of like KM's lens on चारू that isn't explored a lot. और ये खुफिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, there's a lot of things it sets up, बहुत ही एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं, बट इट नेवर कम्स। ऐसा लगता है कि यू आर ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन द प्रेसिपिस ऑफ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बट वो मटेरियलाइज ही नहीं कर पाता है। फर्स्ट हाफ वेरी एंगेजिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, फिर सेकेंड हाफ में जस्ट लूजेस स्टीम, क्योंकि आप कितने कितने टाइम तक अच्छा वेट करोगे, कुछ होगा, नहीं होता। अली फजल एज रवि ऑल्सो मैग्निफिसेंट, उनका ही इज प्लेइंग बोथ अ डोटिंग फादर, सीक्रेट एजेंट ऑफ सॉर्ट्स, वेरी ओबीडियंट सन। कहीं पर होता है कि ही लूजेस समथिंग और ही लूजेस फेथ इन समथिंग एंड ही क्राइज लाइक अ लिटिल चाइल्ड, राइट? एंड दैट्स अ काइंड ऑफ लुक इन टू हाउ डिपेंडेंट ही इज ऑन हिज मदर इन जनरल। वो सीक्वेंसेज भी हमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने को नहीं मिलते हैं। इट्स अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू आर लाइक देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग हियर, बट इट डजंट हैपन। इट्स जस्ट दैट जो खुफिया मूवी है उसके बहुत सारे जो मेन पॉइंट्स हैं विच कुड हैव मेड इट वर्क, वो खुफिया ही रह जाते हैं, वो अंडर रैप्स ही रह जाते हैं। एंड फॉर अ विशाल भारद्वाज फिल्म यू एक्सपेक्टेड टू बी अ लिटिल मोर ऑड, यू एक्सपेक्टेड टू बी ज़ेनियर, एंड दैट जस्ट पंच नेवर रियली अराइव्स। एक चीज जो है, उनका म्यूजिक इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, वो ऑब्वियसली पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स यूज कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो एन ओरिजिनल दैट इज संग बाय रेखा भारद्वाज, एंड क्या आवाज़ है उनकी, क्या आवाज़ है, जेन्युइनली feels like a old retro song, and I was so surprised to learn that it's not. So Vishal Bhardwaj, Rekha Bhardwaj win again when it comes to music, absolutely brilliant artists. Maybe you went in with too many expectations from the film, maybe you did, but even despite that, it could have used a more cohesive screenplay, it could have used more structure, it could have used, I don't know, more faith in its own story. The cast lifts the story up. उन्होंने इतना अच्छा काम किया है इस फिल्म में कि यू आर ऑलमोस्ट टेकन इन टू द फिल्म बिकॉज ऑफ हाउ ब्रिलियंट द कास्ट इज, एंड आई ट्रूली वॉन्ट टू ऑल्सो अप्रिशिएट द सिनेमाटोग्राफी, एब्सोल्युटली स्टनिंग। कहीं कहीं पे है, देर आर सम चिंकलिंग्स इन द आर्मर वेर यू लाइक ओ ये थोड़ा सा ऑफ है,
बट अदरवाइज जस्ट द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द शो इज ब्रिलियंट. जैसे कि एक सीन है जहाँ पे एक कैरेक्टर खड़ा है एंड ट्रेन इज पासिंग बाय. I won't tell you what's happening there, but just structured so beautifully. And that credit does go to the director and the cinematographer. Khufiya as an espionage thriller is okay, pretty decent. A lot of loopholes are there, but it could have worked so much more brilliantly as a human story. Because I could watch just the dynamics between these characters for hours. Agar aap iska mini series bhi bana dete na, I would watch it because of how rich with premise all these characters are. And to kind of top things off, there is one person who truly I wouldn't mind seeing more of, and that would have happened agar mini series hota. Hame milta thoda backstory uska, and it would have been great because we would have genuinely been able to see more of her. Azmeri Haqbadhon has just a very limited role in this film, but woh thode scenes mein also she truly captures your heart. Khufiya, not a bad film. I genuinely actually kind of liked it a lot, other than the second half losing a lot of its steam. But woh jo starting half ka jo poetry hai, and just the brilliant acting that has happened, for that my rating for Khufiya is 3 stars out of 5.